दिग्विजय सिंह को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनकी विदाई अच्छे से हो, मतदाता ध्यान रखें। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को सपने में भी मैं ही दिखाई देता हूं। राजगढ़ की चुनावी सभा में अमित शाह द्वारा दिग्विजय को लेकर दिए बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह मुझसे इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने अपनी सभा में 15 मिनट के भाषण में 17 बार मेरा नाम लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, मेरा इतना प्रभाव है कि सपने में भी उनको दिग्विजय सिंह नजर आता है। बताओ राजगढ़ वालों, रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से। मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आसिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे। देश के गृह मंत्री आए थे खिलजी को, पता नहीं क्या क्या बात कर गए, मुझसे इतने प्रभावित है कि 17 बार अपने भाषण, 15 मिनट के भाषण में 17 बार उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। दिग्गी राजा दी उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी कृपा है मुझ पर कि इतना वो मुझसे प्रभावित है कि बार बार उनको सपने में भी दिग्विजय सिंह याद आता है। दिग्विजय, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा के, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा ने, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, अरे दिग्विजय सिंह जी, दिग्गी राजा, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय, दिग्विजय सिंह। इधर भोपाल में अमित शाह के इस बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है। भाजपा आज देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, अब जनता ही भाजपा को सबक सिखाएगी। स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी हार को सामने देखकर बौखलाई हुई, देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस के मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग की स्थापना दिखती है, तो कहीं संविधान को खत्म करने की बात हो रही है, तो कहीं आशिक का जनाजा। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो गारंटी, वो सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। आज जनता इनका खदेड़ा करने के लिए तैयार है, तो कहीं आशिक का जनाजा, तो कहीं संविधान को खत्म करने की बात जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन ये जान ले, इस देश में अगर सर्वोपरि कोई है तो जनता है, और जनता इस तरह के शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं करती है, क्योंकि जनता नैतिकता और शुचिता के साथ चलने वाली नेताओं या दल को पसंद करती है, क्योंकि जनता ही इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाती है, और इस खूबसूरती को बिगाड़ने का काम जब कोई नेता या दल करता है तो जनता उसे सबक सिखाना भी जानती है। तो राजगढ़ से ही जो है अब इस बात का संकनाद होगा कि जिस तरीके से इस लोकतंत्र की खूबसूरती को भारतीय जनता पार्टी के अधेरे से नेता बिगाड़ रहे हैं, उनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।